वेलकम टू आशीष आई टी आई यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपका फ्रेंड आशीष। अगर आप वेंडर टेक का CITS इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि CITS के इंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ITI के एग्जाम में भी। इससे पहले एक वीडियो में जो है कि 25 क्वेश्चन को कवर किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से यानी TCN फीटर वेंडर फैशन डिजाइनर ड्रेस मेकिंग कोपा टेडो का जो है CITS इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और आप लोग से एक अनुरोध है, हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो सबसे आखिरी में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्घटना का एक मुख्य कारण भी है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से औजारों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए कौन सा औजार को एक साथ नहीं रखना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा काटने और मापने वाले औजारों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, चोट लगे हुए घायल व्यक्ति को क्या देना चाहिए। देखिए इसका जो है राइट आंसर होगा प्राथमिक चिकित्सा जो है कि देना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर का, आँखों में चमक लगने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। आर्काई दोष उत्पन्न होता है, इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गाइडिंग करते समय कैसे चश्मे को प्रयोग करना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा धूप के चश्मे को प्रयोग करना चाहिए। धूप के चश्मे को गाइडिंग करते समय कैसे चश्मे को प्रयोग करना चाहिए, धूप के चश्मे को, धूपी चश्मे को जो है कि प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, कैलिपर्स को कैसे साफ करना चाहिए, कैलिपर्स को कैसे साफ करना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रेत डालकर साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक सीमित बिजली के झटके से पीड़ित है तो क्या करना चाहिए। देखिए यदि एक सीमित बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, ओवरहैंड आग वेंडिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए, ओवरहैंड आर्क वेंडिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का जो है कि प्रयोग करना चाहिए। देखिए हेलमेट का जो है कि प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, कार्यशाला में कार्य करते समय क्या पहनना चाहिए, कार्यशाला में कार्य करते समय क्या पहनना चाहिए, डांगरी जूते व चश्मे पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को कैसे अलग करते हैं, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को कैसे अलग करते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी व रबर के दस्ताने से। क्वेश्चन नंबर 35, बट जोर में किनारों को कैसे रखा जाता है, बट जोर में किनारों को कैसे रखा जाता है, आमने सामने अर्थात कट्टर में, जो है कि आमने सामने अर्थात कट्टर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर का, नैप जोर से अधिक कौन से जोर मजबूत होते हैं, बट के जोर, नैप जोर से अधिक कौन से जोर मजबूत होते हैं, बट के जोर जो हैं मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
कैसे जोर में किनारों की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, किनारों की तैयारी के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ जोर में जो है कि किनारों की तैयारी के लिए आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, बेबन जोर में किसका बेग कम होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फिगर गार्ड का। बेबन जोर में किसका व्यास कम होता है, फिगर गार्ड का जो है कि व्यास कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी सतह को समतल करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। किसी सतह को समतल करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेती की सहायता ली जाती है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।